Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to cover 20 most important MCQ with solutions for your AIIMS and JIPMER exam. Now guys, आप लोग complete biology को एक पूरी series के अंदर cover कर सकते हो. अगर आप लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ा है AIIMS और JIPMER examination के लिए, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा questions को practice करना चाहिए. और यही questions practice मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ. तो अगर आप लोग पहली बार ही मेरी video देख रहे हैं, आप लोगों से request है कि please subscribe कर लीजिए और description box जाकर ज़रूर देखिए. उसके अंदर मैंने आपको एक लिंक दिया है जो कि है AIIMS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक. आप जाकर उसे जरूर देखिए. उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है. ओके, तो आप लोगों की इतनी सी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी कि आप क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करेंगे. वापस चलिए, आगे हम चलते हैं. एक और आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि क्रैश कोर्स मैंने शुरू किया है. 5 दिन के अंदर आपकी पूरी बायोलॉजी रिवाइज हो जाएगी. कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है. पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, आज सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा. आप जाकर उस वीडियो को देखें. पूरी एक वीडियो है, 30 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो है. उसके अंदर आपकी बायोलॉजी का एक यूनिट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पूरी कंप्लीट हो जाएगी विद ट्रिक्स के साथ है वीडियो. तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है. सब्सक्राइब ज़रूर कर देना उस चैनल को. ओके, आपका सपोर्ट मिलेगा तो और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करेंगे. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं 111th क्वेश्चन से. क्यों मैं इससे क्यों शुरू कर रही हूँ? क्योंकि इससे पहले 110 तक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ना, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर जाकर देखो. अब यहाँ पर क्वेश्चन है दैट एड्स इज कैरेक्टराइज बाय. एड्स जो है वो कैसे पता चलेगा, कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हम, कैसे पता चलेगा एक पर्सन को एड्स है? ऑप्शन नंबर ए, देयर विल बी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किलर टी सेल. बी, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सप्रेसर टी सेल्स. सी, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल. या फिर डी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच सेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल. जनरली एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस. ठीक है, एचआईवी की वजह से होता है. जैसे ही ये एचआईवी एंटर करेगा हेल्पर टी सेल में, तो ये रेप्लिकेट करना शुरू हो जाएगा. क्या करना शुरू हो जाएगा? रेप्लिकेट करना शुरू हो जाएगा. और क्या प्रोड्यूस करेगा? और दूसरे वायरस जो कि किसको किल कर देंगे? दे विल किल हेल्पर टी सेल. किसको किल कर देंगे? हेल्पर टी सेल को. उसी की वजह से जो नंबर है हेल्पर टी सेल का वो डिक्रीज हो जाएगा इन द बॉडी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. और वो पर्सन को जो काफ़ी सारे इन्फेक्शन हैं वो होने शुरू हो जाएंगे. तो देयर विल बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल इन द एड्स. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. होल्स्टीन फ्राइसन, ब्राउन स्विस एंड जर्से आर वेल नोन एज. ठीक है, ये सब कौन है, ये सब क्या है? ए ऑप्शन है, दे आर एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ काउ. बी, एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ गोट. सी, एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री. या फिर डी, एनिमल हस्बेंड्री साइंटिस्ट. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ काउ. जो होल्स्टीन फ्राइसन है वो हॉलैंड से हैं. ब्राउन स्विस कहाँ से हैं? स्विट्जरलैंड से हैं. और जर्सी कहाँ से? आयरलैंड से हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है? दे आर इंग्लिश चैनल फॉर एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल. ठीक है, कैटल मतलब काउ का ही पोर्शन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कैटल नहीं लिखा हुआ इन्होंने. वेट अ सेकंड, कैटल नहीं लिखा हुआ इन्होंने, क्या लिख दिया? काउ ही लिख दिया. तो आपको ध्यान रखना है. ओके, कहीं कैटल लिखा हो तो भी आप टिक लगाएंगे कैटल को. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट करेक्ट फॉर सिंगल सेल प्रोटीन. एस सी पी के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, द बायोमास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स अ प्रोटीन रिच सप्लीमेंट. थर्ड स्टेटमेंट, एस सी पी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग बैक्टीरिया एंड एल्गे बट नॉट फंजाई. फोर्थ स्टेटमेंट है, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. फिफ्थ स्टेटमेंट है, एस सी पी हैज टू बी प्रोसेस्ड बिफोर यूज. तो आपके अकॉर्डिंग कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही नहीं है विद रिस्पेक्टिव टू द एस सी पी सिंगल सेल प्रोटीन? एंड द करेक्ट ऑप्शन, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल सही है. बिकॉज ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर फोर्थ के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है. तो ये सही कैसे हैं? जनरली क्या होता है, द सेल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, फिलामेंटस, एल्गे, दे आर ट्रीटेड इन वेरियस वेज एंड यूज्ड एज फूड. और उसी को बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन.
ओके तो ये हो गया आपका पहला. उसके बाद दूसरा क्यों गलत है, द बायोमास इज नॉट ओनली ऑब्टेन फ्रॉम यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब ये क्यों गलत था समझ में आ गया ना कि सिर्फ यूनिसेल्युलर ओनली लगा दिया ना इन्होंने, ओनली लगा दिया तो ये गलत है, ओनली नहीं है, यूनिसेल्युलर नहीं, यूनिसेल्युलर के साथ साथ मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनता है बायोमास. ठीक है चलो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेवर ऑफ योगर्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिज्म का जो कि जरूरी है, जो रिस्पॉन्सिबल है योगर्ट को बनाने के लिए. यस आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही गेस किया है. बताऊं क्या है आंसर, बिल्कुल चलो बता देते हैं. ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. ओके सो जनरली योगर्ट जो है वो जनरली कैसे बनता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कर्डलिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस. टेम्परेचर क्या होता है, अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस, तो 40 से 46 तक हमेशा रहता है. फॉर 4 आवर्स इट हैज़ अ फ्लेवर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एसीटाल्डिहाइड. क्लियर. नेक्स्ट है, बहुत थोड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि वो थोड़ी यूज़ में नहीं आएगी उसको आप हटा सकते हो, अदरवाइज सारी इन्फॉर्मेशन जो भी देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलते हैं. इंडिया रिलिशेस अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन. इंडिया के अंदर रिलीजियस काफ़ी है इंडिया और कल्चरल ट्रेडिशनल कल्चर काफ़ी ज़्यादा है इंडिया का. विच इम्फेसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ठीक है, जो क्या शो करता है दैट नेचर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. कई सारे कल्चर्स हैं वहाँ पर द ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन द विदिन वर वेनरेटेड एंड गिव टोटल प्रोटेक्शन. सच एरियाज आर रेफर्ड टू एज, ऐसी जगहें जहाँ पर इस तरीके की ट्रीज को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, टोटल प्रोटेक्शन दी गई है, उनको क्या कहेंगे. देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया लेकिन क्वेश्चन का मेन मीनिंग है ऐसी जगह जहाँ पर ट्रीज और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है वो क्या जगह होती है. ऑप्शन नंबर ए हॉटस्पॉट्स, बी एथिकल ग्रूव्स, सी सेक्रेट ग्रूव्स या फिर डी प्रोटेक्टेड एरियाज. घुमाया है क्वेश्चन, रिलेट कर दिया इंडिया से इधर उधर, लेकिन सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी सेक्रेट ग्रूव्स, और यही सही आंसर है. ठीक है सेक्रेट ग्रूव्स, सेक्रेट ग्रूव्स का मतलब सेक्रेट फॉरेस्ट. ठीक है द सेक्रेट फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट पैचेज अराउंड प्लेसेज ऑफ वर्शिप now which were held in high esteem by tribal communities now they are the most undisturbed forest patches. यानि कि एक worship की जगह पर इनको रखा जा, worship के पास जो आपको देखने को मिलती है protection वाले area वो है sacred groves. ठीक है इनको किसने रखा है, tribal communities ने. example है यहाँ पर कई सारे parts में देखी जाती है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कई जगहों पर देखने को मिलेगा. उसके बाद अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ये एक अवार्ड है. इस किस लिए है, इट इज़ फॉर द इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव शोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज इन. ये किसको दिया जाता है, एक तो पता चल गया कि उन पर्सन को दिया जाता है जो रूरल एरियाज से होती हैं. ठीक है और इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं. ठीक है कुछ करेज दिखाएंगे किस फील्ड में, ऑप्शन नंबर ए इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बी रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग यहाँ एल आएगा, ओके सी प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ या फिर डी रिफॉरेस्टेशन इन डिफॉरेस्टेटेड एरिया. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल और द कम्युनिटी फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ. तो ये कहीं कहीं आ जाता है कि कई सारे अवार्ड्स आते हैं, उनके साथ ये भी अवार्ड आ जाएगा और पूछा जाएगा ये अवार्ड है किस लिए. ठीक है आपको पता है कि जब एक रूरल एरिया के कोई सिंगल पर्सन या फिर कोई कम्युनिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज शो करती है इन प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है. ठीक है चलो. हाउ मैनी ऑफ द गिवन फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द कीज, कीज के साथ इनमें से कौन से फीचर्स हैं वो मैचअप करते हैं, कि कौन से फीचर्स हैं जो कि कीज के हैं. ओके लिखे हुए हैं कपलेट, क्विक रेफरल सिस्टम, एक्सीडू कंजर्वेशन, एनालिटिक्स, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, लीड. तो कितने हैं इनमें से जो कि कीज से रिलेट करते हैं. आई होप आपको पता होगा कीज क्या है, पहले चैप्टर से द लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन है ये. चलो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड थ्री, और वो थ्री कौन से हैं, एक कपलेट ठीक है, एक है लीड और एक है एनालिटिकल यानी कि एनालिटिक्स. ठीक है चलो नेक्स्ट है.
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर ऑफ फंजाई इन एंडोमाइकोरहाइजा इज। फंजाई का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर क्या होता है एंडोमाइकोरहाइजा में। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 एडबस्किल, मतलब हेटिक नेट, मैंटल, एक्स्ट्रा सेलुलर शीथ, ये सब क्या है, ये सब एक्टोमाइकोरहाइजल के हैं। जबकि जो आपका एडबस्किल है, सॉरी प्रोनंसिएशन में, जो आपका एडबस्किल है ये किसके लिए होता है एंडोमाइकोरहाइजा। तो ये जो तीन चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये तीनों चीज़ किसके लिए, एक्टो के लिए, और ये अकेली किसके लिए है एंडो के लिए, और किसकी पूछी गई थी एंडोमाइकोरहाइजा, तो हमने इसको टिक लगाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैव अ पार्शियली ओपन फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी विच डेवलप फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक कैविटी ब्लास्टोसील। इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसके अंदर आपको पार्शियली ओपन और फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, जो आगे जाके डेवलप हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो डेवलप किससे हुई थी, इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक कैविटी, जो क्या है ब्लास्टोसील। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी राउंड वर्म्स, बिकॉज राउंड वर्म्स आर सूडो सीलोमेट एनिमल। क्या नाम है, सूडो सीलोमेट। अब मेरी एक बात सुनना, सीलोम का मतलब कैविटी, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, पार्शियली ओपन फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो सूडो कैविटी किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, राउंड वर्म्स के अंदर, उनका एक और नाम है सूडो सीलोमेट एनिमल्स। नाउ द सीलोम इज नॉट कम्प्लीटली लाइन बाय मीसोडम, देर आर स्कैटर्ड पैचेस या फिर पाउचेस बोल सकते हो ऑफ मीसोडम इन बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम। चलिए इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली ओपन। नेक्स्ट है इफ्रा इज द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ये एक स्टेज है किसकी लाइफ साइकिल में, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी ऑरेलिया। ऑप्शन नंबर सी ऑरेलिया। इफ्रा इज द सेकंड लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, या फिर आप उसको एक और नाम से बोलते हो जो आप सभी को पता होगा, जेली फिश, ठीक है। तो इफ्रा जो है वो एक स्टेज है, कौन सी स्टेज है आपकी, लार्वल, सेकंड लार्वल स्टेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया और जेली फिश, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी के भी आप देख सकते हो कि ये फाइसेलिया, ओबेलिया, सी एनमन, ये सब क्या है, ठीक है, चलो। लेकिन आप ये याद रखना कि एफ्रा जो है वो ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश की सेकेंड लार्वल स्टेज होती है। एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ ए एप्पल, बी लीची, सी बनाना या फिर डी मैंगो। एंड द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल एरिल जो है वो एक एडिबल पार्ट होती है, बिल्कुल सही, और वो आंसर है लीची, लीची का। कैसे, ये देखो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से लीची का होता है, ये आपको बीच में उसका सीड मिलता है, ये क्या होता है, जब आप लीची खाते हो तो एक सीड मिलता है ना आपको बीच में बड़ा सा, वो ये है, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया है ना जो आप खाते हो, एडिबल मतलब जिसको आप खा सकते हो, तो ये जो एरिया होता है ना इसी को बोलते हैं फ्लैशी एरिल, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। यही किसका डायग्राम हो गया, लीची का। चलो विच, बहुत बेकार लीची बनाई थी लेकिन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंड्रोशियम ऑफ पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम का एंड्रोशियम का फीचर कौन सा है इनमें से, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 जो पाइसम सेटिवम, जिसको आप स्वीट पी भी बोलते हो, क्या बोलते हो, स्वीट पी, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली फेबिएसी, जिसके पास 10 स्टेमेंस होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ना उन्हीं क्रैश कोर्स में से है, जो क्रैश कोर्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाकर देखना ज़रूर। वहाँ पर आपको उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आप एक नई वीडियो देखोगे, उस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर बताया है प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी के बारे में, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। पूरा क्रैश कोर्स है, पूरी आपकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी विद इन हाफ एन आवर, तो उसको जाकर जरूर देखो, और आज पार्ट सेकंड आ जाएगा, ओके। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फैबिएसी फैमिली होती है उसके अंदर आपको 10 स्टेमेंस देखने को मिलते हैं, ओके। उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा आपको, 10 स्टेमेन के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा डायडेल्फस और डायथीकस एंथर, तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है एल्बर्नम इज अदरवाइज नोन एज, एल्बर्नम जो है उसको एक और नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए पेरिडम, बी सैपवुड, सी हर्टवुड या फिर डी बार्क। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2 सैपवुड, ठीक है। सो जनरली सैपवुड यहाँ पर माना जाएगा किसको, एल्बर्नम को। नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। टिश्यू सिस्टम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, अलग अलग टिश्यू सिस्टम होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कंपेनियन सेल नहीं होता उसमें,
बी ट्राइकोम नहीं होते, सी रूट हेयर नहीं होते, या डी गार्ड सेल नहीं होते. एंड द करेक्ट ऑप्शन, यस ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कंपेनियन सेल. ठीक है, क्यों? बिकॉज कंपेनियन सेल आर द पार्ट ऑफ फ्लोएम विच इन टर्न आर अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको फ्लोएम देखने को मिलते हैं, और फ्लोएम में आपको क्या देखने को मिलेगा? कंपेनियन सेल. तो आप लोगों को पहले ही पता है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में वैस्कुलर जो फ्लोएम है ये नहीं देखने को मिलता है. ओके, इसीलिए इट इज नॉट अ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ओके, इन अर्थवॉर्म सीटें आर प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट. अर्थवॉर्म में सीटें जो हैं वो हर सेगमेंट में प्रेजेंट होंगी, एक्सेप्ट कौन सी वो दो सेगमेंट्स हैं, या फिर कौन सी वो एक सेगमेंट है जिसमें सीटें नहीं प्रेजेंट होगा. एंड द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है, क्लाइटिलम एंड लास्ट सेगमेंट में सीटें नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सब में होगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. कितने यहाँ पर एंजाइम है जिसके अंदर हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है. एंड द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4th, 1st एंड 4th, कैटेलेज और प्रोक्सीडेज. ये दोनों एज लग जाता है ना जिसके पीछे, वो होते हैं एंजाइम. ठीक है, ध्यान रखना हमेशा. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. कुछ समझाना है इसमें, समझा देते चलो. पेरोक्सीडेज जो होते हैं और कैटेलेज जो होते हैं इनके बारे में बताया ना, पेरोक्सीडेज और कैटेलेज. They catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Hence, heme is the prosthetic group. Chalo. Colchicine prevents the mitosis of cells at which of the following stage? Colchicine jo hai, wo mitosis, cell ka mitosis hone se rokta hai. Kis stage pe? And the correct option, bilkul sahi, metaphase. Option number B, metaphase. Theek hai? Chalo. Next chalte hain. 128, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स लीडिंग टू द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. आपको बताना है स्टोमेटा की ओपनिंग किन पर्टिकुलर इवेंट्स की वजह से होती है. एंड द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2nd विच सेज बी सी एंड डी. बी लोअरिंग ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल, सी राइज इन पोटेशियम लेवल इन गार्ड सेल, और डी क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम नेबरिंग सेल इन टू द गार्ड सेल. तो गार्ड सेल ही रीजन होते हैं फॉर द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. नेक्स्ट है डी सी एम यू. क्या होता है ये, इसको हम डायरोन की नाम से भी जानते हैं. ये क्या करता है? ऑप्शन नंबर 1, इट इनिबिट फोटो सिस्टम 1st, बी इट इनिबिट फोटो सिस्टम 2nd, सी इट डिस्ट्रॉयज क्लोरोप्लास्ट, या डी इट इनिबिट्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन. एंड द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2nd, इट इनिबिट फोटो सिस्टम 2nd. ठीक है, ये एक हर्बिसाइड है. डीसीएमयू क्या है? डीसीएमयू एक हर्बिसाइड है जिसको हम डायरोन के नाम से भी जानते हैं. इट ब्लॉक्स द इलेक्ट्रॉन फ्लो एट द क्विनोन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2nd. समझ में आया कैसे करते हैं? नाउ बाय कंपीटिंग फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ प्लास्टोक्विनीन. ठीक है, कैसे करते हैं? प्लास्टोक्विनीन के लिए बाइंडिंग साइट पे ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं. किसमें? फोटो सिस्टम 2nd में. यही हुआ ना, इट इनिबिट फोटोसिस्टम 2nd. लास्ट है, अ बर्ड एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ. एक बर्ड जो है वो एक्सक्रीट करती है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को किस फॉर्म में? ऑप्शन नंबर 1, यूरिक एसिड, बी अमोनिया, सी यूरिया, या डी अमीनो एसिड. एंड द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, यूरिक एसिड. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो वर्टिब्रे होते हैं दे पोजेस अ पेग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, ओडोन्टोइड. ठीक है, इट प्रोसेस विच प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड फ्रॉम द सेंट्रम. ठीक है, इसी की वजह से जो बर्ड्स हैं वो क्या एक्सक्रीट करती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को, किस फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में. ओके चलो, तो गाइज फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज एंड लेक्चर वीडियोज यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब मी, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. और प्लीज़ जाकर उस सीरीज़ को ज़रूर देखना जिसके अंदर मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, क्रैश कोर्स की लिंक भी है और क्वेश्चंस की भी लिंक है, तो जाकर ज़रूर देखें. विद दैट से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक एम्स नहीं हो जाता, साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ, और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगी. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय.